खुशामदीद इस्लाम, मैं हूं मिडफाइट और आज हम बात करने वाले हैं राजा सामू के ओपिनियन थग्स ऑफ हिंदुस्तान पे। बेसिकली थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक इंडियन मूवी है जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में रिलीज हुई, तो इसको देखने के लिए राजा सामू सिनेमा गया। उसको देखने के बाद उन्होंने क्या ओपिनियंस दिया ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, अभी हम देख के आए हैं थग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो पहली बात तो ये कि CGI जो है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी विजुअल इफेक्ट्स जो है, वो काफी जगह पे कभी कभी ऑफ लगते हैं आपको, लेकिन नहीं होने चाहिए थे। अब बजट का जो इतना ज्यादा पैसा, मुझे लगता है ये बस उसी में गया है कि कटरीना को दे दिया और स्टार जो है, कास्ट जो है, मुझे लगता है उधर ही चला गया, बाकी प्रोडक्शन पे इतना नहीं लगाया। आमिर खान और कैप्टन जैक स्पैरो जो है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में काफी सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि वो भी शराब पीना बहुत पसंद करता है, ये भी बहुत शराब पीना पसंद करता है, वो भी एक ठग है, ये भी एक ठग है, वो भी खोते में सवार हो जाता है, कभी कभी ये भी होता है। अब रजा सामू ने इस मूवी के बारे में और भी बहुत कुछ कहा और ये कहा कि मूवी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन देखने के लायक है। अब मैंने पर्सनली तो ये मूवी देखी नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। आप क्या समझते हैं इस मूवी के बारे में? अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं उबैद खान के बारे में। तो उबैद खान बेसिकली एक पाकिस्तानी ब्लॉगर है, तो रिसेंटली इन्होंने टिकटॉक पे एक वीडियो आउट की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वीडियो थी। घर में सफर में और दफ्तर में अंडे दूध का ताजा मजा है, खस्ता खस्ता और मीठा है, सबसे लागे सबसे। अब अकॉर्डिंग टू उबैद खान इस वीडियो को 6 से 7 दिन लगे शूट होने में, लेकिन अब कुछ फेसबुक पेज थे जिन्होंने इनकी वीडियो चुरा ली और उन्होंने अपलोड कर दी अपने फेसबुक पेज पे और इनको क्रेडिट भी नहीं दिया। तो आइए इनका क्या रिस्पॉन्स था मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये कोई पेज है फेसबुक पर जिसने कल मेरी वीडियो अपलोड की ये वाली, और इस पे 50,000-60,000 व्यूज हो चुके हैं, 700 शेयर्स, 600 कमेंट्स। लोग माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कमेंट्स कर रहे हैं, खतरनाक वाले, ठीक है ना। और इन भाई साहब को इतनी तौफीक नहीं हुई कि मुझे क्रेडिट दे दें, चोर गंदे लोग हैं। खैर, लोग देख तो मुझे रहे हैं। इस पेज ने भी अपलोड कर दी और अगेन कोई क्रेडिट नहीं। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से और किस किस ने डाली है बता दो। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं इस चीज को मानता हूँ कि अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस करें और दूसरा उसको कॉपी कर ले तो बहुत ही दुख होता है। ये तो वही वाला केस है इरफान जुनेजो के साथ हुआ था, जिसमें न्यूज चैनल ने इरफान जुनेजो का कंटेंट चोरी कर लिया, उन्होंने क्रेडिट भी नहीं दिया। तो आई होप कि ये जो सारे मसले इनके खिलाफ कोई अच्छा सा रूल बने। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं मैंगो रिकॉर्ड्स के बारे में। फाइनली मैंगो रिकॉर्ड्स ने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियल Q&A के अनाउंसमेंट कर दिया और कहा है कि अगर आपने क्वेश्चन भेजने हैं तो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाकर भेज दें। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इंस्टाग्राम के कैमरे से वीडियो बनाकर ना भेजना, बल्कि अलग से वीडियो बना के वो भेजना। तो आप अगर मैंगो रिकॉर्ड्स के फैन है तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन्हें जरूर क्वेश्चन भेजें। इसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं तहमूस अलाउद्दीन के बारे में। तो तहमूस अलाउद्दीन को एक वीडियो रिसीव हुई थी जिसके अंदर अलीगुल पीर जो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है वो तोड़फोड़ कर रहे थे बाहर, और सिर्फ वही नहीं थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। तो मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब पता नहीं कि ये क्लिप फेक है या रियल है, लेकिन इस पे तहमूस अलाउद्दीन का क्या रिएक्शन था ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यार ये मैं सुबह सुबह उठा हूँ और मुझे एक वीडियो आई है, और इसमें अगर आप गौर से देखें रिवाइंड करके तो अली गुल पीर भी नजर आ रहा है, डंडे उठा के फिर रहा है और तोड़ फोड़ कर रहा है। तो यार अली, तू मेरा फोन अभी नहीं उठा रहा, लेकिन आई एम रियली डिसअपॉइंटेड मैन। अब पता नहीं कि वो क्लिप रियल थी कि फेक थी, अब इसके बारे में कोई और अपडेट्स मुझे मिलेंगे तो मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, अब हम बात कर रहे हैं दास शहजाद शो के बारे में। तो रिसेंटली दास शहजाद शो ने इंस्टाग्राम पे एक Q&A रखा जिसके अंदर उनके एक फैन ने पूछा कि मर्च कब आ रही है। तो इन्होंने अगर ये लिंक पोस्ट किया था, जब मैं इस लिंक पे गया तो मुझे पता चला कि उधर लिखा हो कि 100K पे इनकी मर्च आएगी। तो दास शहजाद शो जैसे टैलेंटेड यूट्यूबर है, इससे देख के लगता है कि वो 100K जल्दी क्रॉस कर जाएंगे, तो जल्दी इनकी मर्च आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं रजा सामू के बारे में। तो रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर इरफान जो है दास शहजाद शो उस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे जो कि पठान का बच्चा कहलाता है। अब इसी टॉपिक को लेकर दास सामू ने भी इस पे बात की, उस पे वीडियो बना डाली। तो अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी ट्रेजिक न्यूज के बारे में। तो पहली न्यूज ये कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल यानी कि हाउ टू यूट्यूब चैनल जो है वो टर्मिनेट हो चुका है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स की वजह से। और दूसरी न्यूज जो आ रही है वो शमीर अब्बास और डकी भाई की तरफ से आ रही है। तो शमीर अब्बास ने फाइनली डकी भाई को क्रॉस कर ही लिया है, तो एक बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा गैप था। शमीर अब्बास बहुत ज्यादा पीछे, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत तेजी से आगे आए और अभी भी उसी रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कौन पहले 1 मिलियन हिट करता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि अगर आप लोग कोई न्यूज में है तो नीचे सबमिट कर दीजिएगा, नीचे सबमिशन फॉर्म दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी अचीवमेंट्स के बारे में। हुली फैमिली की लेटेस्ट वीडियो एक दिन के अंदर ट्रेंडिंग नंबर 46 पे चलेगी। इसी के साथ साथ मेडिफाइड यानी कि मैंने हिट कर लिया 1000 सब्सक्राइबर्स, और इसी बात पे
इसी के साथ साथ अमीर ने हिट कर लिया 10K सब्सक्राइबर्स, डेली पाकिस्तान ने हिट कर लिया 10K सब्सक्राइबर्स, खदीजा ने हिट कर लिया 60K सब्सक्राइबर्स, और आज की सबसे बड़ी न्यूज जो आ रही है हमारे पास टॉप फॉर यू की तरफ से आ रही है, उन्होंने हिट कर लिया 700K सब्सक्राइबर्स। कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। इसके अलावा शाबीर जाफरी को अपना गोल्ड प्ले बटन भी मिल चुका है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी अनाउंसमेंट्स के बारे में। बदतमीज पीजे की जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो देसी पेरेंट्स रेंट पे आ रही है। इसके अलावा हमजा इब्राहिम का भी ब्लॉग नंबर 7 जल्द आ रहा है। सना पकड़ ने पूछा कि नेक्स्ट वीडियो कमेंट रीडिंग पे बनाए या नहीं। जहां तक इंटरनेशनल न्यूज की बात है तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो शुरू करूँ क्योंकि मैं नया माइक ले लूंगा। तो आज के लिए मेरे बस इतनी न्यूज थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता हूँ तुम लोग अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।